वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देवी देश भर में विरोध के बावजूद कांवड़ मार्ग पर खान पान की दुकानों पर मालिक और वहां काम करने वालों का नाम लिखने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अडिग है। साफ कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात की गई है। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कन्फ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा का और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा यही ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं, और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है, और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए, और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबरनगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे, मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है, निश्चित मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूँ कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है, और कदम के पीछे भावना, लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है, जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं, और मैं समझता हूं दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और इसमें अगर आप देखो कि 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था, और मुजफ्फरनगर में, कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था, और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था, और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीजें उसमें मिली हुई थी, और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला तो उसका व्रत टूट गया है, तब उसने बवाल, उसने चिल्लाना शुरू किया और काफी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, आप देखो तो एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज को छदम नाम से नहीं बेच सकते, दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते, अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहां पर मांस मिल रहा है,
तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले, यहाँ पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं, और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।